बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू विल बी गुड। और व्यूवर्स, आजकल जो एक टॉपिक है पाकिस्तान में चल रहा, वो ये कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ रहिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को जितना हो सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी YouTube फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, और आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं काम कर रही हूँ। तो चलिए व्यूवर्स, जो मेरी वीडियो है वो ये है कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। तो कुछ लोगों के जहन में ये आ रहा है कि जो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नवाज़ शरीफ साहब होंगे, और मियां नवाज़ शरीफ साहब ने नो डाउट, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने बहुत काम किया कंट्री के लिए, सड़कें बनवाई, मोटरवे बनाई, बहुत से काम किए। इनके काम जो जो इन्होंने काम करवाया, तो लोग इनके काम को देखकर ही ये गुमान कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नवाज़ शरीफ होंगे। लेकिन व्यूवर्स, कुछ नहीं कहा जा सकता, लोगों की सोच बदलते हुए टाइम नहीं लगता। और मैं यही कहूँगी कि जब आप वोट कास्ट करें तो प्लीज़ आप ज़रूर वोट कास्ट करें, लेकिन वोट आपने उस शख्स को कास्ट करना है कि जिसके लिए आपका दिमाग और दिल दोनों जो हैं वो कहें कि आप इस शख्स को वोट दें। सो प्राइम मिनिस्टर जो नवाज़ शरीफ साहब जब अपने दौर में प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत से काम किए, अच्छे काम भी किए, और अभी भी जो है इनकी बेटी मरियम नवाज़ और इनका भांजा हमजा शहबाज़ जो है वो भी कंपेन चला रहे हैं, और जगह जगह जलसे किए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को दोबारा से वोट दिए जाएँ और उन पर एतमाद किया जाए ताकि वो कंट्री के लिए काम करें। तो जो दूसरे हमारे व्यूवर्स एक उम्मीदवार हैं वो हैं बिलावल भुट्टो, और ये जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं, और जो है आसिफ जरदारी साहब के भी ये साहबजादे हैं, और इनकी जितनी भी जो है तालीम है, जो भी एजुकेशन उन्होंने हासिल की वो अब्रॉड से हासिल की, और ये जो है ये अब्रॉड से ही पढ़े हुए हैं, और अभी जो है इलेक्शन ज़ोरों पे है तो ये अपनी कंट्री में आ चुके हैं, और ये भी रोज़ जो है जलसे कर रहे हैं, और जो हुकूमत के लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि इनको वोट दिया जाए और इनको एक चांस दिया जाए कि ये अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सके, अपनी आवाम के लिए कुछ कर सके। तो देखते हैं व्यूवर्स के जो बिलावल भुट्टो साहब हैं इनको किस हद तक वोट मिलते हैं, और आवाम जो है वो किस हद तक इनका साथ देती है, क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो अभी तक जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, और देखते हैं कि क्या इनको चांस दिया जाता है या नहीं, और क्या हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो होते हैं या नहीं। तो इसके लिए तो भाई हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इलेक्शंस का वेट करना पड़ेगा। और व्यूअर्स, जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, और नो डाउट इमरान खान साहब ने भी बहुत कुछ किया इस कंट्री के लिए, और इनफैक्ट जो सबसे बड़ा काम हमारी कंट्री को जो है इन्होंने जो कर्ज़ों में थे हम लोग, कर्ज़ों में डूबी हुई थी हमारी कंट्री, इन्होंने उसको निकालने की भरपूर कोशिश की। तो बहुत से लोग अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं, जो मैं जलसे देखती हूँ और न्यूज़ में देखती हूँ, तो जितने ज़्यादा जो क्राउड होता है वो इमरान खान साहब के जलसे में होता है, मैंने किसी और के जलसे में नहीं देखा। और इन्होंने भी बहुत काम किया, और ये निडर बंदा है, मैं तो यही कहूँगी कि जो है ये किसी से डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं। लेकिन देखें हमारी आवाम किसके हक में फ़ैसला देती है, क्या अगले प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब होंगे या बिलावल भुट्टो साहब को मौका दिया जाएगा या मियां नवाज शरीफ साहब को दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो भाई अवाम का फ़ैसला है, अवाम जो फ़ैसला करेगी। लेकिन मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जब फ़ैसला करें तो बहुत सोच समझ के करें फ़ैसला, और उस शख्स को मौका दें जिसको आप समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की सीट के काबिल हों। तो आपके ख्याल में कौन बनेगा पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर से नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।